झपटना पलटना पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। पाक फजाए के शाहीनों की दिफाए वतन के लिए भरपूर तैयारियां। लड़ाका तैयारों का मोटरवे और हाईवे पर मुख्तलिफ मकामात पर लैंडिंग और टेक ऑफ का कामयाब मुजाहिरा। लैंडिंग के बाद तैयारों को मोटरवे पर ही ईंधन फराहम और हथियारों से लैस किया गया। मॉडल टाउन केस की असर नौ तहकीकात, साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ नई जीआईटी के सामने पेश। टीम ने सानहे से मुतालिक पूछताछ की। जीआईटी को नवाज शरीफ से भी तहकीकात की इजाजत मिल चुकी। नैब ने आशियाना केस में भी शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद की जमानत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। नैब ने रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ की जमानत पहले ही चैलेंज कर रखी है। उधर शाहिद खाकान अब्बासी के गिर्द घेरा मजीद तंग। नैब ने पीएसओ में गैर कानूनी भर्तियों का तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया। मुझे बताएं इनका प्रॉब्लम क्या, भेजने सारे किन्ने किन्ने जाना है बिल्लो के घर, भेजें सबको बिल्लो के घर। ये इनकी सियासत है, टेंट है फिश। पीपल्स पार्टी को एक साफ टारगेट चाहिए, हार्ड टारगेट की तरफ वो मुंह नहीं करते। दोनों को अदालतों से जमानतें चाहिए। शहबाज शरीफ को एनआरओ मांगते सुना और देखा है। शेख रशीद का दावा, बोले नवाज शरीफ, मरियम नवाज और आसिफ अली जरदारी को एनआरओ मांगते नहीं सुना। शरीफ फैमिली का एक ही रोना है कि बाहर जाना है, लेकिन इमरान खान के पास ना डील है ना ढील। पीपल्स पार्टी वाले चाहते हैं उनके सारे मुकदमे सिंध में चले। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त। एफआईए ने केस का सारा रिकॉर्ड एहतसाब अदालत इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया। अदालत ने जांच पड़ताल के बाद रिकॉर्ड नामुकम्मल करार देकर एतराज लगा दिया। दो मुलजमों का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम नजमुल जबां को अहलिया के घर का खाना फराहम करने की सदा मुस्तरद। जज ने कहा खाने में जहर मिला दिया जाए तो जिम्मेदार कौन होगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस रावलपिंडी मुंतकली के खिलाफ आसिफ अली जरदारी और फरियाद तालपुर की इस्तदा समात के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में दो रुकनी बेंच कल समात करेगा। अनवर मजीद के दो बेटों ने भी फैसला अदालत आलिया में चैलेंज कर दिया। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निमर मजीद की 2 अप्रैल तक जमानत कबलत गिरफ्तारी मंजूर कर ली। पीटीआई रहनुमा अब्दुल अलीम खान के जुडिशियल रिमांड में 14 रोज की तौसी। 2 अप्रैल को दोबारा एहतसाब अदालत के रूबरू पेश करने का हुक्म। रेफरेंस और हतमी रिपोर्ट जल्द फाइल कर देंगे। नैब प्रोसिक्यूटर का अदालत में बयान, अलीम खान आमदन से जायद असासाजात और ऑफशोर कंपनीज के केस में जेर हिरासत हैं। कराची में सजा याफ्ता मुजरिम इलाज के नाम पर जिना अस्पताल में मुकीम। एहतसाब अदालत ने बरकत तालपुर को 4 सितंबर 2018 में 7 साल की सजा सुनाई। बरकत तालपुर पर 16 एकड़ जमीन गैर कानूनी तौर पर अलॉट करने का इल्जाम साबित हुआ। कराची में जाली तरक्याती मंसूबों पर करोड़ों रुपए खर्च करने का इंकशाफ। के बाड़ी औरंगी साइट बल्दिया टाउन में जाली मंसूबों पर भारी फंड्स खर्च किए गए। नैब ने बल्दियाती इदारों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं, सिर्फ ये हो रहा है कि जिसे चाहो पकड़ो और जेल में डालो, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। खुर्शीद शाह कहते हैं शेख रशीद को जवाब दिया तो उनकी अहमियत बढ़ जाएगी। नफीसा शाह कहती हैं सिराज दुरानी को 8 फिट की खोली में रखा हुआ है,
वजीर रेलवे और वजीर मुमलिकत बराए दाखला कालादम तंजीमों के सहूलतकार है। लाहौर में माल रोड पर लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना, स्केल अपग्रेडेशन, प्रमोशन और सर्विस स्ट्रक्चर तब्दील करने के मुतालबात। माल रोड की बंदिश से मलहक्का सड़कों पर भी ट्रैफिक का शदीद दबाव, गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। बसारत से महरूम अफराद का भी अपने मुतालबात के हक में मुजाहरा, सिविल इंजीनियर्स ने भी अपना एहतजाज खत्म कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा इजलास, ग्रीन लाइन मंसूबे समेत कराची में मुख्तलिफ मंसूबों का जायजा लिया गया। उधर ओवर बिलिंग के शिकार गैस सार्फीन के लिए अच्छी खबर, इजाफी रकम सार्फीन को वापस करने के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए। वज़ीर आज़म की अप्रैल मई जून में गैस बिलों में रिलीफ फराहम करने की हिदायत। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का 3 रोज़ा दौरा चीन, चीनी सफीर जाओ जिंग और पाकिस्तानी सफीर मसूद खालिद ने एयरपोर्ट पर खैर मकदम किया। शाह महमूद कुरैशी चीनी हम मनसब से मुलाकात और पाक चीन स्ट्रेटजिक मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। सी पैक और खत्ते की सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान में आलमी सरमायाकारी की जानिब नया कदम, मुत्तहदा अरब अमारात के शाही खानदान का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल फैसल वादा से मुलाकात हुई, डैम्स की तामीर और पन बिजली मंसूबों पर तबादला ख्याल। वफ्द सरमायाकारी से मुतालिक दीगर अहम मुलाकातें भी करेगा। साने क्राइस्टचर्च का सोग, अहम इमारतों पर पाकिस्तान का कौमी परचम सर निगू, दहशतगर्दी में 9 पाकिस्तानी शहीद हुए। शहीद नईम रशीद की वालिदा और भाई न्यूजीलैंड डबारा। फवाद चौधरी कहते हैं वर्षा अपने प्यारों की बैयतों की हवालगी का इंतजार कर रहे हैं, पागलपन से निपटने के लिए तहजीबों में मुकालमे की अशद जरूरत है। न्यूजीलैंड में शहीद होने वाले अरीब अहमद के कराची में घर में ताजियत करने वालों का तांता बन गया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की शहीद अरीब के घर आमद, एमक्यूएम के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का भी लवाहिकीन से इजहार अफसोस। अटक के इलाके फतेह जंग से 5 रोज कबल अगवा होने वाले 2 डॉक्टर्स की लाशें मिल गईं। डॉक्टर इफ्तिखार और डॉक्टर अजीज को गली जागीर से अगवा किया गया था। दोनों डॉक्टर्स का ताल्लुक इस्लामाबाद से है। ट्रेनिंग कॉलेज सहाला रावलपिंडी में 217 जवानों की पासिंग आउट परेड, अहलकारों का अमली तरबियत का शानदार मुजाहरा। आईजी अमजद जावेद सलीमी ने मुआयना किया। अपने खिताब में आईजी पंजाब बोले 10,000 तफ्तीशी ऑफिसर मुकर्रर करने जा रहे हैं, अवाम 8787 पर किसी भी वक्त शिकायत दर्ज करा सकते हैं। भारत को जाहियत का मजा चखाया, 1 मिनट में 5 तैयारों को मार गिराया। कौम के हीरो एमएम आलम को बिछड़े 6 बरस बीत गए। एमएम आलम का कारनामा आज भी सुनने वालों को फरते हैरत में मुब्तला कर देता है। तर्जुबान दफ्तर खारजा का एमएम आलम को खराज तहसीन, कहा उनकी महारत का कोई मुकाबल नहीं था, बेहतरीन बहादुर और लड़ाका फजाया पर नाज है।